सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। तो मैं कुछ टॉपिक लेके आया हूँ आज जिससे आपकी हेल्प होगी। और टॉपिक आपको पता ही है, यूक्रेन वर्सेस रसिया। हमारे इंडियंस जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज के इस वीडियो में दो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। पहला टॉपिक यूक्रेन और रसिया, जो अभी जो चल रहा है वहाँ पे माहौल, उसका मेन रीज़न क्या है, उसके पीछे का पीछे की हिस्ट्री क्या है, वो आपको कवर करूँगा। दूसरी, जो हमारे इंडियंस वहाँ पे फंसे हुए उनके लिए, मतलब हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, वहाँ तक कांटेक्ट कैसे करें, वो दूसरे टॉपिक में कवर करूँगा मैं। तो दोनों टॉपिक इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और तीसरी बात यह है कि वहाँ पे एक वीडियो मेरे पास आया था, फ़ोटोज़ भी आए थे वहाँ के एयरपोर्ट पे जो हमला हुआ था, उसके जस्ट थोड़े टाइम पहले का ही वीडियो मेरे पास आया था। तो वीडियो भी मैं इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखना तो आपको समझ में आएगा कि क्या मुद्दा है और ये सब क्यों हो रहा है। तो चलिए पहले इसका इतिहास जान लेते हैं। 1991 में USSR का विघटन हुआ, उसमें से 15 देश अलग हुए, उसमें सबसे बड़ा देश था रसिया। और रसिया का जिस देश से सबसे ख़राब रिलेशन था वो था यूक्रेन। या रसिया यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है, उसका मेन रीज़न क्या है वो पहले जान लेते हैं। आपको बाजू में एक मैप दिख रहा होगा, इस तरफ एक मैप दिख रहा होगा, वो मैप में आप देख सकते हो यूक्रेन असल में यूरोप के क्षेत्र में आता है। यूक्रेन एक ऐसा देश है जो USSR में से विघटित होके यूरोप की गोद में जाके बैठा है। तो इधर इस तरफ देख सकते हो कि जो नीचे वाला एरिया है जहाँ पे गैस के बहुत सारे भंडार है, सोर्सेस है गैस के, और रसिया को ऐसा लग रहा है कि यूरोपियन यूनियन देश है, वो इस गैस को, इस गैस के सोर्स को अपने से छीनना चाहते हैं, इन शॉर्ट इस पर कब्जा करना चाहते हैं। रसिया ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये ज़्यादा भड़का है, ये मुद्दा ज़्यादा भड़का है। 2014 में क्रीमिया, जो आपको नीचे दिख रहा है क्रीमिया, उस पर रसिया ने कब्जा कर लिया, पर रसिया को G8 में से बाहर निकाल दिया गया था उस टाइम पे। थोड़े टाइम के बाद रसिया ने यूक्रेन पे फिर से हमला किया, और आपको ऊपर की तरफ दो जगह दिख रही होगी, एक का नाम है डोनेस्क और लुहांस्क, वो दो जगह पे उसने वहाँ पे अपनी आर्मी भेजी, चार सैनिकों को मार दिया वहाँ के, रसिया ने मार दिया, और वहाँ पे उसने अपने आर्मी को भेज दिया, मतलब रख दिया आर्मी को। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि रसिया ने वो लुहांस्क और डोनेस्क पर हमला किया तो वहाँ के लोगों ने अपोज क्यों नहीं किया। यूक्रेन रसिया सब लोग पहले एक ही थाली के थे, पर 1991 विघटन हुआ तो वो जो जगह है वहाँ पे रशियन लोग के रहते थे, वहाँ पे रशियन लोग ही रहते थे वहाँ पे, तो उन लोगों ने अपोज उठाया नहीं कि उन लोगों को ऐसा लगा कि अगर रशिया हमको मतलब रशिया के अंदर हम आ जाएंगे तो हम भी रशियन पीपल में आ जाएंगे, तो उसी वजह से उन लोगों ने अपोज भी नहीं किया। वो लोगों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा था, बट रशियन सैनिक और यूक्रेनियन सैनिक के बीच में ही लड़ाई हो रही थी। ये पूरा मैप आपको दिख ही रहा होगा, उसी तरह से जो डोनेस्क और लुहांस्क है उसको अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, UK, इन देशों का कहना है कि वहाँ के लोगों को भड़काने में रशिया का हाथ है। यूक्रेन का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, जो क्रीमिया है अपने, जिसे देखा कि रशिया ने क्रीमिया पे पूरा कब्जा कर लिया था, वो क्रीमिया है, वो नेचुरल गैस का सोर्सेस है, और ये जो सोर्स है वो ना कि रशिया में जाता है, वो जाता है यूरोप में बिकने के लिए। यूरोपियन यूनियन है वो भी चाहती है कि यूक्रेन उनके अंडर रहे, और ये जो नेचुरल गैस के सोर्सेस है वो भी उनके पास आए, मतलब वो उनका हक है, ऐसा वो चाहते हैं। उसी गैस के लिए उन लोगों ने क्या किया कि यूक्रेन को नाटो में लेने की तैयारी शुरू कर दी। अभी नाटो क्या है, सब लोग सोचते हो कि नाटो बस, मतलब नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनका शॉर्ट फॉर्म है नाटो। नाटो में जो भी देश आते हैं ना, जिसमें अमेरिका भी आ जाता है, तो उन लोगों ने क्या डिसाइड किया,
अगर उन लोगों में से किसी एक देश पे भी हमला कोई करता है तो ये माना जाएगा कि अमेरिका पे हमला किया है। अगर अमेरिका पे हमला किया तो अमेरिका आ जाएगी उनके सपोर्ट में। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया कि यूक्रेन को नाटो में लिया जाए। सदस्यता मिली नहीं है अभी तक नाटो में। अभी आप सोच रहे हो कि अभी इतना फ़ायदा हो रहा है यूरोपियन यूनियन को, फिर भी यूक्रेन को नाटो में लिया क्यों नहीं? तो उसका भी एक रीज़न है कि रशिया एक पावरफुल कंट्री है, जो लड़ाई के लिए चाहिए वो सब कुछ रशिया के पास है, और सभी देश वहाँ से ज़्यादातर इम्पोर्ट करवाते हैं वो सब चीज़ें। सभी देश यही सोच रहे हैं कि हम झगड़ा क्यों करें रशिया के साथ। अगर रशिया के साथ झगड़ा हो गया तो हमें जो इम्पोर्ट हो रहा है वहाँ से हमारे देश में आ रहा है ये सब चीज़ें, तो वो बंद हो जाएगी। तो और उसी टाइम पे रशिया के एक प्रवक्ता ने सभी देशों को एक चेतावनी दे दी थी कि अगर रशिया पे किसी ने हमला किया तो रशिया जानता है कि उसके जो सोर्सेस है उसका यूज़ कैसे करना है, रशिया के पास जो आर्मी है उसका भी यूज़ उसको कैसे करना है। रशिया भी जानता है कि यूक्रेन को सदस्यता मिली नहीं है नाटो में, सो इसीलिए कोई युद्ध करने के लिए आगे नहीं आ रहा। यूक्रेन का ये जो मामला है उसके अंदर जो नाटो के जो भी देश आते हैं नाटो में, वो अगर बीच में आए तो दुनिया को, आपने सही सुना, दुनिया को उसके बहुत सारे एकदम सीरियस रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये मुद्दा सिर्फ यूक्रेन और रशिया का है, और रशिया ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली वर्ल्ड वॉर 3 की एक चेतावनी दे दी थी। तो इसीलिए कोई देश उनके मुद्दे में अभी आना नहीं चाहता। सब लोग इकोनॉमिकली उनको चेतावनी दे रहे हैं। बट और दूसरा जो पॉइंट है मेरा कि वहाँ पे हमारे जो इंडियन है उनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपको बाजू में नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, बाजू में नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। और पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जो वहाँ पे जो हमला हुआ था एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट का ही वीडियो है ये, उसके चंद घंटों पहले का ही वीडियो है। आप देख सकते हो उनके वहाँ कितनी खुशी का माहौल था। मतलब वो लोग माइंड डाइवर्ट कर रहे थे उस टाइम पे, उनको पता था कि हमला होने वाला है या फिर कुछ गड़बड़ होने वाला है, फिर भी वहाँ के लोग जो भी पैसेंजर होते हैं उनको उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सब। फोटोग्राफ से वहाँ के हमारे मतलब इंडियंस ही है वो, किस तरह से वहाँ पे अभी है, किस हालात में है, आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ्स में। और उनके मदद के लिए, उनकी हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाया स्पेशली। ये मेरे कंटेंट में नहीं आता है, मुझे पता है ये मेरे कंटेंट के बाहर की चीज़ है, बट मैं वीडियो स्पेशली उसी उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर 10 लोग भी देख लेंगे तो मुझे लगेगा कि नहीं, 10 लोग में से किसी को भी फ़ायदा तो हुआ। तो अगर आपके रिलेटिव्स फंसे हैं तो ये नंबर पे कॉल कीजिए, वहाँ पे आप ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। और ये सब कुछ मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे आपको ज़्यादा हेल्प हो। अगर आपको नंबर देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी सब डिटेल। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल हो, और शेयर कीजिए अगर आपके किसी भी रिलेटिव्स को काम आ जाए। अगर आपके रिलेटिव्स नहीं है तो भी आप शेयर कीजिए, किसी के भी रिलेटिव्स को ये काम में आ सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, टेक केयर, थैंक यू।